नमस्कार, मैं हूं सौम्य माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चलते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज फेसबुक ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर केसी बांगड़, पूर्व वाइस चांसलर जीजेयू और वरिष्ठ नेता इंडियन नेशनल लोकदल। हालांकि अब इंडियन नेशनल लोकदल के दो फाड़ होने के बाद ये जेजीपी में कदावर नेता है। इनसे जानते हैं जेजीपी को लेकर हरियाणा में किस तरह का माहौल है और क्या है। डॉक्टर साहब, सिटी बिग न्यूज में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल के दो फाड़ होने के बाद इस टाइम जेजीपी का कैसा स्तर है हरियाणा में? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी जो युवा के आइकॉन बने हुए हैं आज पूरे प्रदेश में, और कल जो उनका गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी से, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक और एक दो नहीं, एक और एक ग्यारह वाली ताकत उन युवाओं में आई है। अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो भी एक युवा की श्रेणी में ही आते हैं, और दुष्यंत चौटाला जी भी एक युवा नेता हैं। पिछले हिसार से जो पार्लियामेंट के मेंबर बनाए लोगों ने यहाँ आशीर्वाद दे करके, और उन्होंने जो अपनी भूमिका लोकसभा में निभाई और हरियाणा प्रदेश की जो आवाज़ बुलंद की, और हिसार के तो वारे के न्यारे करने का उन्होंने काम किया। उन्होंने बड़ी मेहनत करके इतने काम हिसार में किए कि गिनाए नहीं जा सकते, और हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज़ भी वो बन करके उभरे और उनकी छवि एक तरह से निखरती हुई चली गई। परिवार में राजनीतिक विभाजन हुआ और उस विभाजन के उपरांत कोई महीने के बाद ही, महीना सवा महीने के बाद ही जींद का उपचुनाव हरियाणा प्रदेश के लोगों को देखने को मिला, और जो विभाजन होने के बाद परिवार के जो दो हिस्से थे दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। एक हिस्से को 3400 वोट मिली और दुष्यंत चौटाला जी वाले हिस्से को 38,000 के करीब वोट मिली। ये अपने आप को प्रदर्शित करता है कि हरियाणा प्रदेश में जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के उपासक जितने भी हैं वो अधिकतर मेजोरिटी में जो है ना दुष्यंत चौटाला जी के साथ आ गए हैं। जैसे कि आपने कहा कि आम पार्टी से हमारी समझौता हो गया, जैसे जेजेपी का पिछले दिन उपचुनाव था, उपचुनाव में आम पार्टी का आपको समर्थन भी था, हालांकि वहां से आप सीट नहीं निकाल पाए, तो आपको क्या लगता है वर्तमान में जो चुनाव है अब इसका क्या रहेगा इसमें? देखिए, उपचुनाव जो होता है वो सरकार का होता है, क्योंकि सरकार की हर तरह की ताकत होती है, बेकायदगियाँ भी सरकार करती है उपचुनाव में, जो जींद में भी देखने को हमें मिली, और बहुत से हथकंडे होते हैं सरकार के जिनको इस्तेमाल करके जो उपचुनाव को प्रभावित करने का काम सरकार किया करती है, और जींद में भी वो सारे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनाए और उसी की वजह से जो है वो वहाँ जीतने में कामयाब हुए। लेकिन अगर आप देखें कि 40 दिन पुरानी पार्टी ने 38,000 वोट लेकर के अपने आप में एक इतिहास रचने का काम किया, और जो कांग्रेस जैसी 125 साल पुरानी पार्टी थी, धुरंधर उनके उम्मीदवार थे राहुल गांधी जी के स्पेशल मिशनरी सुरजेवाला जी, वहाँ चुनाव लड़े और जुमा कोई 700-800 वोटों से उनकी जमानत बची, और दूसरे जितने भी दल थे सभी की जमानतें जब्त हुई, केवल जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार ने सम्मानजनक वोट लेकर के वहाँ दूसरा स्थान हासिल किया और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने का काम किया। आज भी हरियाणा प्रदेश में जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में कोई टक्कर दे सकते हैं तो ये गठबंधन टक्कर देगा, और बहुत अच्छे ढंग से, बड़े संघर्षशील तरीके से दोनों नेता बड़ी साफ छवि के हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी भी और दुष्यंत चौटाला जी भी, दोनों युवा नेता हैं, साफ छवि के नेता हैं, और हरियाणा प्रदेश में जो ने एक बदलाव की जो लहर शुरू हुई है वो एक आंधी का रूप लेगी, और निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसमें जैसे लोकसभा चुनाव में, इसमें आपकी जैसे अलायंस होने के बाद कितने कितने सीट पे चुनाव लड़ने वाले हैं?
कल गठबंधन जब हमारा हुआ तो उसी समय ये घोषित कर दिया गया था कि 7 सीटों के ऊपर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और 3 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे, और जननायक जनता पार्टी की असर वाली काफ़ी सीट क्षेत्र ऐसे हैं दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी और दूसरे प्रदेशों में भी, जहां जननायक जनता पार्टी के समर्थक जो भी लोग हैं, जहां जहां भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे होंगे वहां हम उनकी मदद करने का काम करेंगे। और हरियाणा में जो हमने गठबंधन किया है, हम 7 और 3 के ऊपर ये चुनाव लड़ने का काम करेंगे। कैंडिडेट की घोषणा कब तक करेंगे? कल जब हमने समझौता घोषित किया था उस समय ये घोषणा कर दी गई थी कि 72 घंटे के अंदर दोनों पार्टी मिल करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है, दोनों तरफ से दो दो नेताओं की, और 4 आदमी मिल करके 72 घंटे के अंदर अंदर ये तय कर लेंगे कि कौन सी 3 सीट आम आदमी पार्टी लड़ेगी और कौन सी 7 सीट जननायक जनता पार्टी लड़ेगी, और ये तय करके अपने अपनी पार्टी के उम्मीदवार का चयन करके हम 72 घंटे के अंदर अंदर उम्मीदवार घोषित कर देंगे। जैसे बंगड़ साहब, आप चौटाला साहब के बड़े नज़दीकी हैं और बहुत पुराने आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो एकदम से परिवार में ऐसा क्या है कि दो फाड़ हुई? ये पारिवारिक मसला है, ये राजनीतिक विचारधाराओं का जो अंतर आया है, उन विचारधाराओं के अंतर के अंतर्गत जो है ना ये परिवार का विभाजन हुआ। और क्योंकि चौटाला साहब और डॉक्टर अजय सिंह जी जेल में हैं, और उसके बाद पार्टी का जो काम काज था वो अभय सिंह चौटाला जी देख रहे थे और युवा विंग को दुष्यंत चौटाला जी देख रहे थे, उन दोनों के राजनीतिक मतभेद होने की वजह से ये परिवार का विभाजन हुआ, राजनीतिक विभाजन हुआ। अगर विभाजन नहीं होता तो आपको नहीं लगता कि जैसे अब लोकसभा चुनाव थे और इसमें अलायंस करने की जरूरत नहीं थी इनको? देखो, ये नहीं होता तो ये होता, ये नहीं होता तो ये होता, ये तो सब भविष्य के गर्भ में होती हैं ये बातें। जो होना होता है समय को कोई नहीं टाल सकता, और चूँकि जब राजनीतिक मतभेद हो जाते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर जो ना आदमी अपनी जो है नई पारी खेलने का वो होता है। और दुष्यंत चौटाला जी को, दिग्विजय जी को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जो एक, मैं तो ये कहूँगा कि अहंकार का कोई रूप कोई भी कह सकते हो आप, वो रूप जो अभय सिंह चौटाला जी में आ गया था जिसकी वजह से इनकी इनके मतभेद पैदा हुए। और दुष्यंत जी को और दिग्विजय जी को जब पार्टी से बाहर निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो दो ही ऑप्शन थे इनके सामने, या तो बुज़ुर्गों की चौखट पर बैठ करके वहाँ रोए, या जो रगों में जो संघर्ष का खून उनकी रगों में है चौधरी देवीलाल का, उनकी नीतियों पर चलते हुए संघर्ष करें। उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया, नया घर बनाया, नई पार्टी बनाई, न चौटाला साहब से कोई झगड़ा किया, न अभय सिंह से कोई झगड़ा किया, न पार्टी के लिए किया, ना कोई प्रॉपर्टी के लिए कोई झगड़ा किया, ना निशान के लिए किया, ना किसी और बात के लिए, झंडा डंडा के लिए कोई झगड़ा किया। जैसे उनको घर से निकाला गया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया, अपनी पार्टी बनाई, और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए जैसे ही पार्टी बनाई, उपचुनाव को लड़ने का मौका मिल गया, और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया कि दुष्यंत चौटाला के साथ हरियाणा प्रदेश के लोग तन मन धन से उनके साथ हैं। जैसे अब भी ना आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, कभी अभय सिंह कुछ कहते हैं, कभी दुष्यंत चौटाला जी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो उससे ना पार्टी में कमजोरी नहीं आती? और जो आप लोगों से जुड़े लोग थे वो असमंजस में कौन सी पार्टी में हम लोग जाएं, जैसे दोनों पक्षों में कि उसमें कौन से नेता के साथ हम लगे, इस तरह की दुविधा है? देखिए, दुविधा अब नहीं है, शुरू शुरू में जब जैसे अलग हुए थे उस समय थोड़ी बहुत दुविधा कुछ लोगों के मन में थी, अब लगभग लोगों ने अपना अपना रास्ता तय कर लिया है, अपना अपना रास्ता लोगों ने चुन लिया है किसको किसके साथ जाना है, और मेजोरिटी में लोग जो है दुष्यंत चौटाला जी के साथ हैं, जैसे रिजल्ट बता रहे हैं, जैसे
भीड़ बता रही है, जो रैलियां हो रही है, जो हल्कों वाइज जो है मीटिंगें हो रही है, दुष्यंत चौटाला जी की मीटिंगों में जो है बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो ये वो असमंजस की स्थिति अब नहीं है, लोगों में बिल्कुल स्पष्ट हैं लोग, और इसी का परिणाम जो है जींद का उपचुनाव इसी बात का परिणाम है कि 90-95% लोग मतदाता जो है जो जननायक चौधरी देवलाल जी की नीतियों में जो विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, चौधरी देवीलाल जी का जो पुराना परिवार था उस परिवार के जो लाखों लाखों जो भगत थे वो आज दुष्यंत चौटाला जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस संघर्ष की घड़ी में उनके साथ खड़े। जैसे चौटाला साहब में राज्यसभा सांसद बना, यहाँ से रणवीर सिंह गंगवा वर्तमान में MLA थे, वो भी इसी के चलते कि दुविधा के चलते भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके वर्तमान में MLA भी थे वो यहाँ से, इस विषय पर आप क्या? नहीं, वो दुविधा नहीं होती है, अपना हर आदमी अपना रास्ता चुनता है, प्रजातंत्र में हर आदमी अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। गंगवा साहब ने जो रास्ता चुना वो उनकी अपनी मर्जी से चुना, दुविधा की वजह से नहीं होता। दुविधा होती तो वो इन दोनों में से एक को चूज करते, जब वो तीसरा रास्ता उन्होंने अपनाया है तो दुविधा के उनका ये ना कि दोनों को नाराज ना हो, अगर इधर जाएं तो उधर से नाराजगी ना हो, उधर रहें तो इधर वाले नाराज ना हो, उन्होंने छोड़ ही दिया दोनों को। नहीं, अब दोनों को छोड़ दिया तो दोनों नाराज होते हैं इस तरह से, तो अब एक रास्ता चुनने से इनके बीच में से किसी को चुनते तो वो जो है एक ही नाराज होता है, रहा तो अब इस समय तो जो है जब दोनों को ही छोड़ दिया तो जो है पीड़ा तो दोनों को ही होगी इस बारे में। तो जैसे अब हिसार से क्या आपको लगता है कि दुष्यंत सिंह मैदान में उतरेंगे क्या? अगर पार्टी चाहेगी, अभी अजय सिंह चौटाला जी एक दो दिन में आ जाएंगे, छुट्टी लेकर के आ रहे हैं, वो हमारी पार्टी के संरक्षक हैं, उनको अधिकृत किया हुआ है कि वो पार्टी के कैंडिडेट्स के बारे में निर्णय लेंगे पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ मिल करके, और बहुत जल्दी जो भी निर्णय लिया जाएगा, अगर दुष्यंत चौटाला जी को निर्णय लेकर के यहाँ से लड़ाने का अगर फैसला होता है पार्टी के नेताओं का पार्टी का, तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है हरियाणा में आपके अलायंस का कितने सीट आए? देखिए, कांग्रेस तो कहीं कंपटीशन में नहीं है, जींद के उपचुनाव ने भी दिखाया कि कांग्रेस तो जमानत जब्त के नज़दीक पहुंच गई थी, और धुरंधर जो उनका जो हरियाणा प्रदेश का जो सबसे ताकतवर कैंडिडेट हो सकता था वो उस चुनाव मैदान में था, और 700-800 वोटों से जमानत बची है, तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस जो है ना भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। निश्चित तौर के ऊपर ये गठबंधन जब दो पार्टियां मिलती हैं तो उनका जो है ना ताकत बढ़ती है, और जो ये गठबंधन हुआ है इसमें अरविंद केजरीवाल जी की भी साफ छवि है, उन्होंने दिल्ली में काम करके दिखाया है, दुष्यंत चौटाला जी की भी साफ छवि, उन्होंने लोकसभा में हरियाणा प्रदेश की आवाज़ गुंजाने का काम किया, 10 लोकसभा के सदस्य और 5 राज्यसभा के सदस्य, 15 टोटल पार्लियामेंट के सदस्य हरियाणा प्रदेश से हैं, अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, 14 आदमियों का काम आप एक पलड़े में रख लो, अकेले दुष्यंत चौटाला जी का काम एक पलड़े में रख लो, शायद इन वाला अकेले का पलड़ा जो उनसे भारी मिलेगा। तो ये इन बातों को लेकर के हरियाणा प्रदेश के लोग, आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, हर बात को देखते हैं, मीडिया का बहुत प्रचार और प्रसार है, सेकंडों में जो है ना पूरे वर्ल्ड में चीज़ें घूम जाती हैं, तो जब भी उन्होंने जो आवाज़ें उठाई, जो प्रदेश के लोगों की आवाज़ बन करके जो है ना वो गूंजे 5 साल तक, तो उससे हरियाणा प्रदेश के लोगों में विश्वास पैदा हुआ कि ये नौजवान लड़का जो ने एक अच्छी पारी खेल सकता है, अच्छी शुरुआत कर सकता है, स्वच्छ राजनीति को आगे बढ़ा सकता है, और जो आज हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन की जो आवश्यकता है वो प्रदेश के लोग जो उन्हें टिकटिकी लगाए इस बात को देख रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर बहुत आशाएं हैं प्रदेश के लोगों को, और ये दोनों दल मिल करके जो नया संगठन जो बना है ये निश्चित तौर के ऊपर जो है बहुत भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और किसकी कितनी सीट आएंगी ये तो देखो एक तरह से जो है एक राजनीतिक वक्तव्य होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा धरातल के ऊपर जो आज हम देख रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी की छवि बहुत अच्छी है, और उसमें माननीय केजरीवाल जी का साथ आने के बाद उसमें और निखार आएगा, और दोनों दल मिल करके भारतीय जनता पार्टी को
बहुत कड़ी टक्कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी का पासा भी पलटने में ये संगठन सक्षम है। जैसे बीच में सुनने में ये भी आया था, आपने देखा भी, मुख्यमंत्री जी से अभय सिंह चौटाला बीच बीच में मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है उन लोगों की, तो क्या लगता है कि जेजीपी को हराने के लिए इस तरह हथकंडे अपनाए जाएंगे? देखो, जब दो नेता मिलते हैं वो क्या कमरे के अंदर बात करते हैं केवल अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। हमारी ना तो कभी मुख्यमंत्री से बात हुई इस बारे में किसी बारे, ना कभी अभय सिंह जी से कोई मिलने का हमें कोई मौका इस तरह का मिला, ना कभी कोई डिस्कशन की बात हुई। वो बंद कमरे में बार बार मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं इस बात के बारे में तो टिप्पणी वही लोग कर सकते हैं। हम कोई जो ने बगैर सिर पैर की बात करने का मेरी कभी आदत नहीं रही, ना मैं कभी बोलता हूँ। जो चीज़ हमारे स्पष्ट रूप से हमारे सामने है, जिन बातों का प्रूफ है, उनके बारे में टिप्पणी करना मैं उचित समझता हूँ। उन दोनों नेताओं ने आपस में क्या बात की, क्या नहीं की, किसके खिलाफ की या किसके हक में की, उसके बारे में तो वही जवाब दे सकते हैं। जैसे हिसार संसदीय क्षेत्र से दुष्यंत जी वर्तमान में सांसद हैं और यहाँ से लोगों का और उनके जो साथ जुड़े हैं युवा पीढ़ी का, उनका यही कहना है कि कभी हमारी बात होती है तो दुष्यंत जी हिसार से चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है ये भी हिसार से लड़ें। उधर से भव्य बिश्नोई को कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुनने में, इधर विजेंद्र सिंह जी हैं, तो तीनों जो युवा हैं, तो आपको क्या लगता है कौन से युवा स्ट्रांग होंगे हिसार के? देखिए, हम पॉजिटिव राजनीति के हक में हैं। हम किसी को गालियां दे करके या किसी को क्रिटिसाइज करके राजनीति नहीं करना चाहते। हम राजनीति पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला जी के लिए तो हिसार में पॉजिटिव राजनीति करने का ही एकमात्र ऐसा विकल्प है, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं। अपने काम के नाम के ऊपर वोट मांगेंगे, अपनी छवि के ऊपर वोट मांगेंगे। 5 साल तक हिसार लोकसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, उसके ऊपर वो दोबारा से लोगों के बीच में आकलन का मौका देंगे कि अगर मैंने आपके लिए ठीक काम किया है तो मुझे दोबारा मौका दीजिए। और आप अगर ये समझते हैं कि दुष्यंत चौटाला आपके आशाओं पर खरा नहीं उतरा, तो आपके पास और भी ऑप्शन, आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो हम किसी को जो ना गालियाँ दे करके या किसी को ये राजनीति करके केवल जो ना दूसरों को गालियाँ दे करके आप वोट लेंगे, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। हम अपने काम के बदले वोट मांगेंगे लोगों से। दुष्यंत चौटाला जी ने अनेक ऐसे काम किए हैं, अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि वो हिंदुस्तान के अगर टॉप 10 लोकसभा सदस्यों को चुने तो 10 लोकसभा टॉप के 10 में उनकी गिनती है। और युवा, आपने देखा होगा पिछले दिनों आपके मीडिया पर बहुत वाइडली प्रसारित हुआ कि पूरे वर्ल्ड के जब 100 युवा सांसदों को और 100 युवा लोगों के प्रतिनिधियों को चुनने का जब मौका था, एक मैगजीन ने वो सर्वे किया, तो वर्ल्ड के 100 टॉप मोस्ट लोगों में से 29वां नंबर दुष्यंत चौटाला जी का था। वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये फेमस हुए हैं 5 साल में। और हरियाणा प्रदेश के एकमात्र ऐसे लोकसभा सांसद थे जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की आवाज़ को गुंजाने का काम किया और हिंदुस्तान के कमेरे वर्ग की आवाज़ बन करके वो 5 साल तक लोकसभा में जो ने कमेरे वर्ग का प्रतिनिधित्व तो करते रहे। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि ट्रैक्टर के ऊपर टैक्स लगाने का दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुस्साहस किया था, कुप्रयास किया था, उसको उनका उन्होंने बहुत मुँह तोड़ जवाब देने का एक अनूठा जो ने एक तरीका निकाला। वो ट्रैक्टर लेकर के लोकसभा में चले गए तो पूछा कि वे क्यों लेकर के आए, कहने लगे कि जब सारे व्हीकल जिनके ऊपर टैक्स लगता है कोई किसी व्हीकल में बैठ के आ सकता है, अगर जब इसको टैक्स की श्रेणी में लेकर के आए तो मैं क्यों नहीं इसमें बैठ करके आ सकता। तो उनको जो ने एक बहुत अच्छा, एक महात्मा गांधी जी जैसे सत्याग्रह करते थे इस तरह के एक सत्याग्रह की किस्म का एक ये एक उनका कदम था और सरकार को झुकना पड़ा और वो अपने कदम सरकार ने वापस खींचे और उसको टैक्स से मुक्त करने का दोबारा से ट्रैक्टर का काम इन्होंने करवाया। एक इतनी बड़ी भारी अचीवमेंट, हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों किसानों को जो इसका लाभ मिला उनके एक सांसद के एक कदम से, तो इस तरह से उनकी जो छवि निखरी है दुष्यंत चौटाला जी की, मैं तो ये कहूँगा कि हिसार के लोगों का एक सौभाग्य है कि इतना अच्छा लायक नौजवान उनको मिला जिन्होंने 5 साल तक उनको मौका दिया, ये हिसार के लोगों ने उनको उनका प्रतिनिधित्व करने का। मैं तो गुजारिश करूंगा हिसार के लोगों से
और प्रबुद्ध हरियाणा प्रदेश के नागरिकों से कि दुष्यंत चौटाला जी को जहाँ से भी वो चुनाव लड़े, हिसार लोकसभा का चुनाव उनकी भी इच्छा है यहाँ से लड़ने की, तो दोबारा से उनको मौका दें ताकि वो हरियाणा का नाम और हिसार का नाम दोबारा से और ज़्यादा बुलंदियों तक पहुँचाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी के पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और मुख्यमंत्री जी सारे ये कहते हैं कि हरियाणा की 10-10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो औरों के पाले में क्या आएगा? राजनीतिक स्टेटमेंट हैं ये, इनको हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्टेटमेंट देता है, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का मोटो होता है कई लोगों का, कई लोगों को हांकने की आदत होती है, तो ये तो समय के गर्व में है। हरियाणा प्रदेश के 1 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं को फैसला करना, ये एक ना अकेले मुख्यमंत्री को करना, ना अकेले जो उन्हें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से बात कर रहे थे, कर रहे हैं, हर 10-10 वो सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, दूसरी इस तरह की बातें हाँक रहे हैं, तो अभी ताज़ा राजस्थान में चुनाव लूज कर गए, मध्य प्रदेश में कर गए, छत्तीसगढ़ में कर गए, कर्नाटक में कर गए, तो अगर एक स्टेटमेंट देने से ऐसे 100% रिजल्ट आते तो वो स्टेट क्यों लूज करते हो? डॉक्टर साहब, आपका राजनीति में लंबा एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव भी है, आप वैसे देखा जाए तो लगभग क्या मानते हैं, कितने सीट आप लोगों के अलायंस से आ सकती है? देखो, मैं मेरा कहने का ये है कि मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, मैं इस तरह से बता पाऊँगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जो हरियाणा प्रदेश के करोड़ों लोग हैं उनके दिलों पर दुष्यंत चौटाला जी छाए हुए हैं। हरियाणा प्रदेश का युवा तो खास करके जिस परिवार की कई पीढ़ियां कांग्रेस को वोट देती हुई आ रही हैं, मैंने कई लोग ऐसे मिले हैं, बहुत हायर ब्यूरोक्रेसी में भी और जुडिशरी में भी कई लोगों के मुंह से मैंने अपने सामने सुना है बोलते हुए कि हमने तो कभी भी कांग्रेस से बाहर वोट नहीं दिया या फला फला पार्टी से बाहर वोट नहीं दिया, लेकिन हमारे बच्चे, दुष्यंत जी आपको बधाई देता हूँ, हमारे बच्चे भी आपको ही वोट देंगे, वो हमारे कहने से जिस पार्टी को हम ट्रेडिशनली वोट देते हैं उसको नहीं देंगे, हमारे बच्चे आपके फैन हैं, आपको वोट देंगे। तो जो इस तरह का वातावरण प्रदेश में जो हम देखने को मिल रहा है अक्रॉस द पार्टी, तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जिन परिवारों के बुजुर्ग कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात करते हैं कि हमने उन पार्टियों से बाहर वोट नहीं दिए, उन परिवारों के युवा वर्ग के जो बच्चे हैं वो दुष्यंत के फैन, हर दुष्यंत को वोट देना चाहते हैं। तो इस तरह की जो लहर जो बनी हुई है, उस लहर को अगर आप ठीक ढंग से आप देखोगे, आकलन करोगे, तो निश्चित तौर पर आपको ये देखने को मिलेगा कि दुष्यंत चौटाला जी को भारी सफलता मिलेगी हरियाणा प्रदेश में। जैसे पिछले दिनों नलवा में मुख्यमंत्री की रैली थी, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग ने जो नौकरियां दी वो निष्पक्ष तौर पे दी है, और पहले जो नौकरियां बिकती थी उसी के चलते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अभय सिंह जी जेल में, तो इस तरह की वक्तव्य था, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी इस समय निष्पक्ष तौर पर नौकरियाँ दे रही है? देखिए, एक बात तो मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी नौकरी बेचने की वजह से जेल में है, तो ये गलत है। जजमेंट में भी ये लिखा हुआ है उनके कि इस सिलेक्शन में कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। जजेज ने, थ्री लेवल के ऊपर वो केस स्क्रीन हुआ है, लोअर जुडिशरी में भी, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, किसी भी जुडिशरी के किसी भी विंग ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए। तो ये कहना कि वो नौकरियां की हेराफेरी करने की वजह से जेल में, तो ये गलत है। हाँ, जो भी जुडिशरी ने जो फैसला किया है, हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन पैसे के लेन देन के बारे में उन्होंने भी खुद अपने आप लिखा है कि इस मामले में कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के आप जो नौकरियां दे रही है, डी ग्रुप का रिजल्ट आया है, तो आप क्या मानते हैं निष्पक्ष तौर पर इन्होंने रिजल्ट निकाला है या इसमें भी कुछ है गड़बड़? देखिए, जो एक काम की तो मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो एसएस बोर्ड है यहाँ का, एसएस बोर्ड के चेयरमैन को इनको बीच में हटाना पड़ा, और एसएस बोर्ड के जो बड़ा एक अजीब तरह का इनका एक स्टाइल पकड़ा गया था, और इसमें FIR भी दर्ज हुई है, हाई कोर्ट में भी केस चला हुआ है,
कि स्टाफ के लोग और मेंबर और चेयरमैन मिल करके जो एक नेक्सस बना हुआ था कि इनका मोडस ऑपरेंडाई जो था वो उसकी मैं भर्त्सना जरूर करना चाहूँगा कि जो लोग सेलेक्ट हो गए थे और उन सेलेक्टेड लोगों से जो पैसे लिए जा रहे थे वो सेलेक्ट हुए अपने मेहनत से और वो सेलेक्टेड लिस्ट को कहीं रख करके अलमारी में और फिर उनके अपने बीच के लोगों को भेज करके उनसे जो पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे उसका तो खुलासा स्वयं मुख्यमंत्री के स्टाफ के लोगों ने भी किया है, एसएस बोर्ड के लोगों ने भी किया है। उनके खिलाफ़ आज भी एफआईआर दर्ज है और हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया, हाईकोर्ट में भी वो है, एसएस बोर्ड के चेयरमैन को भी हटाना पड़ा था। तो किसी और सबूत की आवश्यकता नहीं, ये तो अपने आप में ही अपनी कार्य प्रणाली से अपने खुद ही घिरे हुए हैं इस बारे में। तो जैसे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हरियाणा में बहुत सारे घपले थे, बहुत सारे लोग लोगों से पैसे लेके और नौकरियां करते थे, जो नेता हैं या कर्मचारी हैं उन सबको सफाया करके हमने भ्रष्टाचार ख़त्म करने की वो किए, हरियाणा सरकार में एक स्वच्छ छवि के उसमें हम चल के नौकरियां प्रदान कर रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बात है, करने और कथने में बहुत अंतर है और दूसरी पार्टियों के ऊपर लांछन लगाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान बात है और लांछन लगाना बहुत आसान है लेकिन उसको सिद्ध करना उतना ही मुश्किल है। अगर पहली सरकार के लोगों ने अगर नौकरियां बेची हैं, 10 साल भूपेंद्र हुड्डा जी का राज रहा, अगर उन्होंने कोई नौकरी बेची है तो मैं ये मुख्यमंत्री जी से ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि आज आपके पास तो सरकार का तंत्र है पिछले 5 साल से, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे आपने कितने भ्रष्टाचार के मुकदमे उन लोगों के खिलाफ दर्ज करवाए जिन्होंने भ्रष्टाचार करके नौकरियां बेची हैं? क्या भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ या उनके उस समय के जो चेयरमैन रहे हैं या मेंबर सिलेक्शन कमेटी के जो भी रहे हैं, अगर उन्होंने नौकरियां बेची हैं और सिलेक्शन मेरिट के ऊपर नहीं किया तो मुख्यमंत्री जी क्या ये आप बताएंगे कि एक सिंगल एफआईआर भी क्या आपने उन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया? अगर आपकी नज़रों में और फाइलों के ऊपर और आपके पास अगर सबूत हैं तो आप केस दर्ज कराइए ज़रूर, अन्यथा ये तो एक राजनीतिक स्टेटमेंट है कि लोग नौकरियां बेचते थे। मैं ईमानदारी से दे रहा हूँ, आपके राज में आपके लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके राज में भ्रष्टाचार हो रहा था और दूसरों ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराएं। 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ओपन सवाल है कि पिछले 10 साल राज रहा भूपेंद्र हुड्डा जी का और उससे पहले राज रहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का और जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी हिस्सेदार थी, उसमें क्या 15 साल के राज के ऊपर लांछन लगाना, गालियाँ देना, विरोध करना तो बहुत आसान बात है। आपने प्रैक्टिकल कोई केस दर्ज कराया भ्रष्टाचार का किसी के खिलाफ जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उस समय का? एक अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप किसान से बेटे हैं, किसान से आप संबंध रखते हैं, अभी सरसों को लेके किसान बड़ी दुखी है, इस विषय पे सरकार की जो निर्णय है कि ऑनलाइन आप लोग सबमिट कराइए, ये डॉक्यूमेंट्स ये दीजिए, उस तरह से मांग रहे हैं तो किसान के पास वो चीज़ नहीं है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सरकार को ये काम करना चाहिए? देखिए, वैसे तो इस शासन काल में जो मैं देख रहा हूँ, अनेक वर्ग जो उन्हें संघर्षरत रहे हैं, कर्मचारी संघर्षरत रहे हैं पूरे 5 साल के टेन्योर में, दूसरे बहुत से लोग जिन्हें आश्वासन दिया गया था कि रेगुलर करेंगे, कोई हेल्थ के कर्मचारी थे, कोई गेस्ट टीचर थे, मेरे ख्याल में अभी इस समय भी हरियाणा प्रदेश में 50,000 से कहीं ज़्यादा लोग जो उन्हें वो एडॉक पर हैं, गेस्ट टीचर हैं या गेस्ट फैकल्टी में हैं या गेस्ट के रूप में जो नए एम्प्लाइज लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं और ठेकेदारी प्रथा पर तो शायद कई लाख लोग लगे हुए हैं। तो इन सब को यह आश्वासन दिया गया था कि भाई हम आपको रेगुलर करेंगे, आप हमें वोट दें जो पिछली बार वोट मांगी थी, और मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि किसी को भी इन्होंने 5 साल में रेगुलर नहीं किया, चाहे रोडवेज को प्राइवेटाइजेशन की बात थी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्राइवेटाइजेशन की बात थी, तो उन लोगों उन कर्मचारी भी लगातार पिछले 5 साल से इस सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। और ठीक उसी तरीके से जो किसान वर्ग है
वो भी आज इस बात को लेकर के दुखी है, पीड़ित है कि एक तरफ तो इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में और अपने वोट मांगते हुए वायदा किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसान की आमदनी जो उन्हें डबल कर देंगे, किसान को लाभकारी मूल्य दे देंगे। आज अभी पिछले दिनों जो बाजरे का बिक्री हुई थी तो बाजरे का भाव 1950 रुपये तय किया था केंद्र की सरकार ने, और हरियाणा प्रदेश का 90% बाजरा जो ने 1200-1300 रुपये क्विंटल बिका है, जो भाव घोषित करते हैं उसके ऊपर भी प्रदेश के किसानों की फसल बिक नहीं रही। आज उसी तरह की समस्या कपास के साथ भी थी, उसी तरह की समस्या आज सरसों के साथ भी है। कैपिंग लगा दी कि 5 क्विंटल से ऊपर जो है वो सरसों नहीं बिकेगी। पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक मंडी तय कर दी कि जो ना आपके हिसार में या मेरे सोनीपत का मुझे ज्ञान है, सोनीपत ज़िले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 384 गाँव हैं, सारे लोग जाकर के केवल एक मंडी में सरसों बेच सकते हैं और कहीं भी नहीं बिकेगी, और बेचनी है तो औने पौने दामों में बेच जाओ। तो वहाँ पर भी जो ना इतनी फॉर्मेलिटी है किसान के ऊपर, अनपढ़ किसान होता है उसको इतनी फॉर्मेलिटी से गुजार दिया और उसके बाद भी 5 क्विंटल उसकी सरसों खरीदेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, तो बहुत भारी दिक्कत में आज किसान है। इसलिए पूरे प्रदेश में आज किसान संघर्ष में है, हड़ताल पर हैं, धरने में बैठे हुए हैं, और उसी श्रेणी में आज व्यापारी वर्ग भी बैठा है। इस समय एज ऑन टुडे हरियाणा प्रदेश की कोई भी मंडी ऐसी नहीं है जहां आड़ती धरने पर ना बैठे हों। वो भी दुखी हैं कि जिस तरह की पॉलिसी ये सरकार जो ने लेकर के आई है उससे व्यापारी भी दुखी है और किसान भी दुखी है, दोनों को बड़ी भारी परेशानी है और दोनों नुकसान में है। तो ये सरकार ना तो व्यापारी का मन जीत पाई, ना किसान का मन जीत पाई, ना कर्मचारी का मन जीत पाई, ना जो ने कमेरे वर्ग का कोई वो ये उधार कर पाए, और जो बड़ा व्यापारी है वो GST से परेशान है, वो मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, अगर मैं कुछ बात कहूँगा तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात होगी। तो GST से जो इनका सिस्टम बना है और उससे जो ने जितने व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं वो अंदर खाते जो ने जले पड़े हैं, और मुझे लगता है कि ये आने वाला जो चुनाव है इसमें सरकार से दुखी जितने भी वर्ग हैं, जितने भी अपने अपने हिसाब से, वो बटन दबाते हुए सरकार से ज़रूर जो ने अपना आक्रोश जरूर जताएंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, सिटी बिग न्यूज़ से बात करने के तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे डॉक्टर KC बांगड़, जो कि पहले वाइस चांसलर थे गुरुजन बसु यूनिवर्सिटी के, अभी JGP में कदावर नेता हैं। इनका कहना है कि जैसे किसान की समस्या है, दुकानदारों की समस्या है, व्यापारियों की समस्या है, सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही, और जो वर्तमान अभी चुनाव है इसमें इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। सिटी बिग न्यूज़ के लिए सौम्या माथुर कैमरामैन के साथ, मैं रमेश शर्मा। आज के लिए बस इतना ही। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।